बाकी ये पूरा बुफे लगा हुआ है एक्टिवा 125 का। यहाँ पे मिलता है वाइट बल्ब, वहाँ पे मिलता है येलो बल्ब। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपन होने वाला है होंडा एक्टिवा 125 के बारे में। एक्टिवा 125 का सेकंड बेस वेरिएंट आज अपन लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है, क्योंकि अभी के लिए वेरिएंट्स भी अपने पास अवेलेबल हैं, ये मेरे पीछे देख रहे हो, और कलर ऑप्शंस भी सारे ही अवेलेबल हैं। तीन अपने पास यहाँ हैं और बाकी के दो आपको स्टॉक यार्ड में इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाने वाला है। तो एंड तक देखना, अच्छा लगे, यूजफुल आप लोगों के लिए वीडियो रहे तो एक लाइक भी ज़रूर से कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो। तो पहले तो ये रहा अपना सिंगल फ्रेम में ही, ये वाला स्कूटी अपन लोग आज के वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, वो है बेस वेरिएंट है। फिर बेस से ऊपर आ जाता है आपका ये वाला, और ये है एच स्मार्ट यानी कि टॉप। इससे नीचे आ जाता है जिसमें कि सिर्फ एच स्मार्ट वाला सेटअप नहीं रहता, यही सेम अलॉय और डिस्क भी रहेगा, और उसमें किक भी आ जाता है एच स्मार्ट। ये है एच स्मार्ट में किक नहीं रहता। तो ये अपनी अभी के लिए जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अगर ऊपर देखेंगे एक बार ना, अगर दूसरा जो एक वेरिएंट और रहता है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और एक वीडियो और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाने वाला है ऑल वेरिएंट्स का कंपैरिजन, जो कि मैं अभी इस वीडियो के बाद ही शूट करने वाला हूँ। सारे ही वेरिएंट आप लोगों को उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे डिटेल में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सेकंड बेस वेरिएंट के साथ। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है अलॉय विथ ड्रम। बेस वेरिएंट में रहता है स्टील रिम विथ ड्रम, यहाँ आ जाता है अलॉय के साथ ड्रम ब्रेक, इससे ऊपर आ जाएगा अलॉय के साथ डिस्क ब्रेक, जैसा कि आपका सेटअप यहाँ पे है। सो ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी, प्लस एक काफ़ी अच्छा सेटअप भी मिल जाता है, और ये कलर भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कलर ऑप्शन टोटल पांच अवेलेबल रहते हैं एक्टिवा 125 में। ये है ग्रे, मरून और ब्लू, तीन अभी के लिए अवेलेबल हैं, एक रहता है वाइट और एक रहता है ग्लॉसी ब्लैक। तो इस टाइप से टोटल तीन कलर ऑप्शन है, सारे ही कलर ऑप्शन, टोटल पांच कलर ऑप्शन है सॉरी, सारे ही कलर ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे ग्लॉसी फिनिश में ही, जैसा कि एक्टिवा 110 में मैट वाला सेटअप भी आ जाता है, बट यहाँ पे सब कुछ ग्लॉसी वाला ही सेटअप रहने वाला है। तो कलर ऑप्शन हो चुके हैं, वेरियंट्स हो चुके हैं, आप बात कर लेते हैं प्राइजिंग की, सेकेंड बेस वेरियंट आपको क्या कॉस्ट करने वाला है। सो ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी एक्टिवा 125 का सेकंड बेस वेरिएंट कॉस्ट करने वाला है 99,600 रुपीज़ के अराउंड 1 लाख रुपीज़ आप लोग कॉस्ट कर सकते हो, 1 लाख रुपए के अराउंड आपका रहेगा सेकंड बेस एक्टिवा 125 का। अब देख लेते हैं क्या कुछ इस प्राइस पॉइंट पे एक्टिवा 125 के सेकंड बेस वेरिएंट में आपको मिलने वाला है। इस टाइप से कुछ ब्रेक लीवर यहाँ पे रहेगा रबर कवरिंग के साथ, जो कि लुब्रिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये ड्रम वाले वेरिएंट है उसमें आपको ये वाला लीवर मिलेगा, और जो डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें आपका लीवर चेंज हो जाता है, और यही सेम चीज़ आपको होंडा की बाइक्स पे भी देखने को मिलेगा, जिसमें भी ड्रम और डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। इस टाइप से वाइजर वाला पार्ट रहेगा, सेंटर वाला पार्ट, सभी कलर ऑप्शन में ये आपका रहेगा ग्लॉसी ब्लैक में ही। तो यहाँ भी वही सेटअप है, बट शेप चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट में ही सिर्फ आपको इस शेप का हेडलैम्प मिल जाता है, बाकी के सभी वेरिएंट्स में आपको हेडलैम्प मिल जाएगा शेप चेंज के साथ और एलईडी में। यहाँ पे मिलता है वाइट बल्ब, वहाँ पे मिलता है येलो बल्ब। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से सेम जैसे कि सभी स्कूटीज पर रहते हैं, अपोजिट साइड का ब्रेक लीवर, एक पार्किंग ब्रेक के साथ ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से है, बार एंड भी मिल जाता है। फाइबर बॉडी चेक करते हैं तो ये भी पार्ट फाइबर में है, ये पार्ट फाइबर में है। उसके अलावा ओवरऑल बॉडी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है मेटल बॉडी में, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है कॉम्पिटिशन्स के कंपैरिजन में। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, रियर बॉडी भी कंप्लीट मेटल बॉडी ही आपको मिलने वाली है। लाइटिंग कॉम्बिनेशन में है, एलईडी यहाँ पे हेडलैम्प मिल जाता है, और हेलोजन में रियर लाइटिंग भी है, हेलोजन में ही इंडिकेटर भी है, यहाँ पे एलईडी डीआरएल वाला पार्ट भी आ जाता है, और क्रोम वाला पार्ट फ्रंट नोज़ पे भी है, रियर बॉडी पे भी आ जाएगा, नंबर प्लेट होल्डर, फ्रंट नोज़, होंडा का प्रॉपर मार्किंग आपको फ्रंट नोज़ पे ही मिलेगा। इस टाइप से कुछ फ्रंट मड गार्ड है मेटल में, यहाँ पे गार्ड आ जाएगा जिससे कि इसका शेप ना डैमेज ना हो एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ठीक है। ये आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, और गार्ड इंस्टॉल करवा लेते हो जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज रहता है, तो और थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, इसका थिकनेस काफ़ी अच्छा है, अराउंड 26-28 mm के अराउंड ना इसका थिकनेस मुझे फील हो रहा है। ट्रेवल जो स्कूटीज़ के अकॉर्डिंग रहता है वही वाला पार्ट रहेगा ही, सभी वेरियंट में बेस में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट में मिल जाएगा यहाँ पे 130 mm ड्रम, सेम 130 mm ड्रम रियर में भी है, 130 mm ड्रम है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। टायर यहाँ पे अभी के लिए इंस्टॉल्ड है MRF का, MRF C8 मैक्सिस, ये आपको यहाँ पे टायर के ब्रांड्स मिलेंगे होंडा की स्कूटीज़ में। फ्रंट टायर की ग्रीडिंग है 90-90-12, 12 इंच का फ्रंट है,
10 इंच का आपका रियर रहने वाला है टायर का पैटर्न, ये रहा। और यहाँ पर भी MRF ही है, ये आपका कुछ इस टाइप से अलॉयज का शेप रहेगा, सेम तीनों ही वेरिएंट में रहेगा, बेस वेरिएंट में स्टील रिम आ जाएगा। तो ये आपका फ्रंट टायर भी कंप्लीट ट्यूबलेस यहाँ पे टायर यूज़ होगा, फ्रंट में भी और रियर में भी। और बेस वेरिएंट जहाँ पे स्टील रिम आता है ना, यहाँ पर भी ट्यूबलेस टायर ही अवेलेबल रहेगा। तो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो सीट हाइट का यहाँ पे कोई भी मेजर इशू आपको नहीं होने वाला। 780mm का टोटल सीट हाइट है। तो अगर शॉर्ट हाइट है, लेडीज़ के लिए लेना है, घर में कोई एजेड है उनके लिए लेना है, तो कोई भी परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। स्कूटी का टोटल वेट है 109 kg स्कूटी का टोटल वेट रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है टोटल 168mm का। आप आ देते हैं रियर बॉडी पे और एक बार ना स्विच सेटअप और MID भी पहले कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ये कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन वाला MID सेटअप, एनालॉग प्लस डिजिटल। बेस वेरिएंट में एनालॉग वाला ही सारा सेटअप रहेगा, यहाँ एक डिजिटल विंडो आ जाता है, सिल्वर वाला पार्ट भी है, 110 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग रहेगा, PGMFI फ्यूल इंजेक्शन का सारा सेटअप है यहाँ पे है। टॉप स्पीड की बात करते हैं 90-95 तक इजीली एक्टिवा 125 जा सकता है। प्लस स्विच सेटअप देखते हैं तो यह आ जाता है आपका हाई बीम लो बीम प्लस पास, इंडिकेटर सिंगल बजर ऑन है, राइट साइड पर जाता है किल स्विच प्लस स्टार्टर। ये चीज़ आप लोगों को चेंज हो जाएगा टॉप वेरिएंट में यानी कि H स्मार्ट में। तो ये इस टाइप से रिमोट की यहाँ पे मिल जाती है और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे आ जाएगा और यही स्टार्टर का भी काम करता है, बाकी MID सेम यही है। तो आपको ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ना, मैं जो कह रहा हूँ वो इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ सेम चीज़ें आप लोगों को एज टॉप वेरिएंट या फिर सेकंड टॉप मिल जाता है। यूटिलिटी स्पेस भी आ जाता है जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो जाती है, एक लगेज हुक है, इस टाइप से कुछ राइडर प्यू भी है यानी कि स्कूटी पर बैठने के बाद ये कुछ आपका लुक यहाँ पर बनेगा। सीट का साइज़, सीट की जो लेंथ है ना ये भी काफ़ी अच्छी है, सीट हाइट आप लोगों को मिल चुकी है 790mm का है, सॉरी 780mm का सीट हाइट है। इस टाइप सेंटर सीट ये तीन पार्ट आपको मिल जाएंगे एज टूल किट, एक फर्स्ट एड किट मिल जाएगा जो कि ये रहा। इस टाइप से स्पेस है, छोटा स्पेस है, एक हाफ फेस हेलमेट या फिर छोटे साइज़ का फुल फेस हेलमेट यहाँ पे आ सकता है। अंडर सीट में यहाँ पे फ्यूल फिलिंग नहीं है, फ्यूल फिलिंग यहाँ पे मिलती है एक्सटर्नल वाला 5.3 लीटर का E20 का स्टिकर है ही, 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एक्टिव 125 की प्रॉपर मार्किंग आपको टेल लैंप पे भी रहेगा जो कि कुछ इस टाइप से ये फील आएगा। मेटल बॉडी, एक्टिव 125 की प्रॉपर मार्किंग यहाँ भी है, किक भी मिल जाता है तीन वेरिएंट में, एच स्मार्ट में किक नहीं रहेगा। सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा, थ्री स्टेप एडजस्टेबल यानी कि तीन तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। एनहांस स्मार्ट पावर ESP जो कि होंडा की सभी बाइक्स में सभी स्कूटीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो यहाँ पे है ही। सेंटर स्टैंड गाड़ी के साथ मिलेगा, साइड स्टैंड पार्ट ऑफ एक्सेसरीज होंडा में रहता है। रियर टायर की ग्रेडिंग है 90-110, फ्रंट था 12 इंच का, रियर आपका है 10 इंच का, 130mm ड्रम रियर में रहेगा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। इस टाइप से कुछ ये अपना टेल टाइडी है, नंबर प्लेट होल्डर, आपका रिफ्लेक्टर यहाँ पे आ जाता है, ग्रे ब्रेल सिंगल पीस, सिल्वर कलर सभी कलर ऑप्शन में, सभी वेरिएंट्स में ये चीज़ आपका सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये गार्ड भी इंस्टॉल्ड है जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज रहता है। अभी फ्रंट से भी लुक एक बार ना कॉम्बिनेशन अपन चेक कर लेते हैं। फुट बोर्ड भी काफ़ी इनफ साइज़ का यहाँ पे रहेगा, बैटरी की प्लेसिंग भी इसी पार्ट पे रहती है, इस पे मैटिंग इंस्टॉल करवाना आपको एक ना ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और एक हुक आपको यहाँ भी मिल जाने वाला है, की देख लेते हैं एक बार ना और फिर एक बार इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ करते हैं वीडियो को एंड। इस टाइप से जैसा कि होंडा की सभी स्कूटीज़ में की रहता है वही वाला पैटर्न है। शटर वाला सेटअप यहाँ पर है, फ्यूल और सीट भी इसी से एक्सेस होगा, बाकी ये कंप्लीट आपका मैट ब्लैक वाला ही है। होंडा में ना ये वाला पार्ट जो डैशबोर्ड रहता है ये सभी कलर ऑप्शन में सभी वेरिएंट में ब्लैक ही रहता है, अदर कॉम्पिटिशन्स में ये चीज़ आपका चेंज हो जाता है जैसे कि एक्सेस वगैरह में ना थोड़ा ब्राउन वाला पार्ट भी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इंजन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 123.97 cc का फैन कूल्ड फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन, 8.18 HP का पीक पावर है और 10.3 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क रहने वाला है। स्कूटी का टोटल वेट 109 kg। सो वीडियो को एंड करने से पहले अपन लोग बात कर लेते हैं माइलेज की, कि क्या माइलेज आप लोग निकाल सकते हो एक्टिवा 125 से। सो देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग माइलेज निकाल सकते हो 40-42 का, 40-42 ईजिली निकाल सकते हो, इतना तो ये देके जाएगा ही। इससे ऊपर अगर अच्छा चलाते हो तो आप लोगों को पता ही है। और एक्सिस 125 का माइलेज टेस्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एक्सिस 4000 किलोमीटर चलने के बाद E20 वाला क्या माइलेज निकाल के दिया, काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट आया था।
इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब चेकआउट करते हैं अपन लोग ना दूसरे कलर ऑप्शंस और दूसरे वेरिएंट्स, क्योंकि वो ऊपर अवेलेबल है, वो क्लिप मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। सो बाकी के दोनों कलर अपने पास यहाँ हैं, ये रहा अपने पास वाइट और ये रहा ग्लॉसी ब्लैक वाला, ब्लू अपना नीचे हो ही चुका है। बाकी ये पूरा बूफे लगा हुआ है एक्टिवा 125 का ही, प्लस ये वेरिएंट है अपना सेकंड टॉप वाला अलॉय डिस्क और चाबी वाला, ये अपना वेरिएंट ब्लू वाला स्कूटी रहने वाला है, प्लस ब्लैक ये है सेम जो कि अपन लोग इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, जो अलॉय विथ ड्रम वाला। सो इसी के साथ ये हो जाता है अपना पूरा वीडियो डन, सारे डिटेल्स भी आप लोगों को मिल चुकी हैं, सारे वेरियंट्स, सारे ही कलर ऑप्शन, ऑन रोड प्राइजिंग भी। अभी एक वीडियो और मैं शूट करूँगा वेरिएंट्स का कंपैरिजन, उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर देना है। मिलते हैं कल रात 9 बजे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।